सीधासल आपको नहीं जाऊँ महांगा से योगी आदित्यनाथ निर्वाचन प्रचार चली जय श्री राम एथी उपस्थित समस्त मान्य गण्य व्यक्ति नको मोर नमस्कार तुलसी क्षेत्र के श्री बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त उड़ीसा के केंद्र पाड़ा की जनता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री देवू सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र पाड़ा से हमारे लोकप्रिय लोकसभा के पार्लियामेंट्री असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे प्रत्याशी सम्मान्य श्री वैजयंत पांडा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी गण श्री सुमंत कुमार गड़ई जी, अरविंदम राय जी, गीतांजला सेठी जी, ललित मिनिस्टर श्री देवू सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र पाड़ा से हमारे लोकप्रिय लोकसभा के पार्लियामेंट्री असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे प्रत्याशी सम्मान्य श्री वैजयंत पांडा जी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी गण श्री सुमंत कुमार गणेश जी, अरविंदम राय जी, गीतांजला सेठी जी, ललित मेहरा जी, कृष्णचंद पांडा जी, दुर्गा प्रसन्न नायक जी, तेजेश्वर परिदा जी, राम नारायण मोहंते जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कटक के, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं केंद्र पाड़ा के जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का उत्तर प्रदेश की धरती से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान जगन्नाथ की ये पावन धरा, जिसे हम सब का पावन तीर्थ होने का हम सबको गौरव है, इस पावन धरा को और बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के शासन प्रशासन की तमाम बाधाओं को तोड़ करके श्री वैजयंत पांडा जी के समर्थन में आज इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और अपील इस बात को करने के लिए आया हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रशासनिक तंत्र अगर शासन को चलाने लगता है
तो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तानाशाही पड़ती है, गरीबों का शोषण होता है, माफिया राज पनपता है। और पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहाँ की सरकार को अपने घेरे में लेने करके उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहन और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है। बहन और भाइयों, आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक अवसर है। डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए सस्ते दाम पर दी जाती है। क्या अराजकता है? ये अराजकता इसलिए क्योंकि नवीन बाबू इन नौकरशाही के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है। इसलिए बहन और भाइयों, आपने इतना लंबा समय नवीन पटनायक जी को दिया है, लेकिन इससे उड़ीसा विकास नहीं कर पाया। बहनों और भाइयों, आज आप यूपी को देखिए,
यूपी 2017 के पहले इसी प्रकार के माफियाओं के सिकंजे में था। कहीं लैंड माफिया था, कहीं पर कटल माफिया था, कहीं पर माइनिंग माफिया था, कहीं सैंड माफिया था। आज यूपी के अंदर सभी माफिया को हमने उल्टा टांग करके उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकाल दी है। माफिया ने जितनी संपत्ति अर्जित की थी उस संपत्ति को हमने सरकार के कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए आवास बनाने का काम, महिलाओं को महिला संरक्षण का काम, कहीं पे चिकित्सालय, कहीं पे विद्यालय, ये बनाने के काम किए हैं। और अगर हमने देखा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए माफिया खतरा बना है तो फिर बुलडोजर का बेहतर इस्तेमाल करके उसको जहन्नुम में पहुंचाने का काम भी किया है। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर यह बुलडोजर सुशासन का प्रतीक बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक बना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सुशासन का और सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा कर चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है और खुशहाल जीवन जी रही है, सुरक्षित भी है। देश के अंदर सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का लाभ ऐसे प्राप्त होता है और इसीलिए मैं आज आप